प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके पहले हमारे जो है वो 7 लेक्चर हुए, जिसके अंदर में तकरीबन ऑसिलेशन का जो पार्ट था, जो हमारे सिलेबस में है, वो लगभग कंप्लीट हुआ। इसमें से जो 2 पॉइंट हमारे बाकी रह गए, इंशाल्लाह हम आज उसे देखेंगे। तो आइए, इसमें का जो पॉइंट हमारे जो बाकी रह गए है उसे हम आज देखते हैं। तो उसमें का पहला पॉइंट हम ये देखेंगे, एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम यहाँ पर एंगुलर एसएचएम की तारीफ देखेंगे। उससे पहले के एंगुलर एसएचएम एंगल यानी जाविया, उर्दू मीनिंग इसका जाविया ही एसएचएम यानी जाविया ही साधा मौसी की हरकत, जाविया ही साधा मौसी की हरकत। तो आइए हम इसकी तारीफ देखते हैं। तो तारीफ इस तरीके से होंगी कि ऐसी एतेजाजी हरकत, क्योंकि ये एक हरकत है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन यानी हरकत नहीं, तो ये ऐसी हरकत है, ऐसी एतेजाजी हरकत जिसमें जाविया इसरा या गर्दिशा, जाविया इसरा या गर्दिशा टॉ, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, गर्दिशा जो है वो टॉ से जाहिर करते और जाविया इसरा अल्फा से जाहिर करते। तो ये गर्दिशा या जाविया इसरा जाविया हटाव के रास्त तनासुब में होता है, ऐसी एहतजाजी हरकत जिसमें गर्दिशा या जाविया इसरा जाविये हटाव के रास्त तनासुब में होता है। और यहां पर ये मनफी अलामत है, मनफी अलामत के लिए यूं कहा जा सकता है कि ये दोनों जो है, यानी गर्दिशा हो या फिर जाविये इसरा हो, ये जाविये हटाव के बढ़ने की मुखालेफत करते हैं। मतलब इसकी जो सिमत है, इसके सिमत के मुखालिफ होती है, यानी जाविये इसरा की सिमत जाविये हटाव के सिमत के मुखालिफ होती है। तो आइए हम इसकी तारीफ बनाते हैं, जो इस तरीके से कि ऐसी एहतजाजी हरकत जिसमें गर्दिशा या जाविये इसरा जाविये हटाव के रास्त तनासुब में हो, और जाविये इसरा या इस गर्दिशे की जो सिमत है वो जाविये हटाव के सिमत के मुखालिफ हो, तो ऐसी हरकत को जाविये साधा मौसी की हरकत करते हैं। तो इस तारीख के बाद हम इस तरफ पढ़ते हैं कि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन तफरी की मसावत, तो इसकी हम तफरी की मसावत हासिल करेंगे, जो इस तरह होंगी। एक डिश हम यहां पर लेते हैं, एक धातु कुर्स है, एक मेटल डिश है, ये एक धातु कुर्स है, तो इस धातु कुर्स को जो है एक बारीक धागे की मदद से, एक मुस्तहकम सहारे से लटकाया गया है। इस धातु कुर्स को एक भारी बारीक धागे की मदद से मुस्तहकम सहारे से लटकाया गया है। अब ये कि
धाती कुर्स है, ये धाती कुर्स इस तार के अतराफ, इस वायर के अतराफ जो है वो गर्दिश कर सकती है। और ये कि अगर समझ लो इसको घुमाया जाए, अगर इस धाती कुर्स को घुमाया जाए तो वो इस तार के अतराफ में गर्दिश करती है। और अगर घुमाकर इसे छोड़ दिया जाए, इस धाती कुर्स को इस तार के अतराफ घुमाकर छोड़ दिया जाए तो ये कुर्स इस तार के अतराफ में गर्दिश करती है, जो जुजवी क्लॉकवाइज और जुजवी जो है एंटी क्लॉकवाइज होती है। जुजवी क्लॉकवाइज और जुजवी एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये किस तरीके से, जैसा कि हमने देखा कि वो खाने की चकरी टाइप जो धागे के अंदर में पिरोई होती है, उसे हम कुछ देर तक समझ लो घुमाते हैं, और घुमाने के बाद एक सिंत में घुमाने के बाद धागे को जो है वो थोड़ा सा तनाव देते हैं तो वो वापस जो है गर्दिश करती है। इस मानी इसके अंदर में होता है कि ये गर्दिश एतेजाज करती है, गर्दिश करती है इस तरह के कि वो गर्दिश जो है जुजवी क्लॉकवाइज और जुजवी एंटी क्लॉकवाइज होती है। इस तरह का जो एतेजाज है उसे जावियाई एतेजाज कहते हैं या फिर इसे टॉर्शनल एतेजाज कहते हैं। जुजवी एतेजाज या फिर टॉर्शनल ऑसिलेशन या टॉर्शनल एतेजाज कहते हैं। फिर से इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइए कि एक धाती कुर्स को फर्ज कीजिए कि एक धाती कुर्स को एक बारीक तार की मदद से किसी मुस्तहकम सहारे से लटकाया गया है, जैसा कि शक्ल के अंदर में दिखाया गया है। जब इस कुर्स को, इस धाती कुर्स को इस तार के अतराफ में घुमाया जाए और छोड़ दिया जाए तो ये कुर्स गर्दिश करती है, जो गर्दिश जुजवी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है। इस एतेजाज को जावियाई एसएचएम कहते हैं या फिर जावियाई एतेजाज कहते हैं, और इसे जो है वो टॉर्शनल एतेजाज भी कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि ये डेरिवेशन जो है इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन ये किस तरह निकाला जा सकता है। तो हम जानते हैं कि जावियाई एसएचएम में जिस्म पर अमल करने वाला जो गर्दिशा है वो जावियाई हटाओ थीटा के रास्त तनासुब में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जावियाई एसएचएम में जिस्म पर अमल करने वाला जो गर्दिशा है वो जावियाई हटाव के रास्त तनासुब में होता है। अभी अभी जिस तरीके से मैंने जावियाई एसएचएम की तारीफ बयान की कि इसके अंदर में जो है ये जो गर्दिशा है टा, ये थीटा के बढ़ने की मुखालिफत करता है या फिर इसकी जो सिमत है वो इसके मुखालिफ होती है, इसलिए इसके अंदर में मनफी अलामत है। तो ये टॉ रास्त तनासुब में वजा थीटा, तो टॉ बराबर माइनस सी थीटा, ये हमारा इक्वेशन वन हासिल हुआ। देखिए ये रास्त तनासुब की अलामत हटाकर मैं इक्वल टू कर रहा हूं, मसावी दिखा रहा हूं, तो उस वक्त में कुछ कांस्टेंट दिया जाता है। तो यहाँ जो सी है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तनासुब का मुस्तकिल है, और इस तनासुब के मुस्तकिल को देखिए, जब ये टॉ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा है तो सी इज इक्वल टू माइनस टॉ बाय थीटा, इस तरीके से होगा। तो इस तरह पढ़ा जाएगा कि एकाई हटा, एकाई जावियाई हटाव का
गर्दिशा। तो यहां सी जो है एकाई जाव्यय हटाव का गर्दिशा है, यहां सी एकाई जाव्यय हटाव का गर्दिशा है। तो ये टॉ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा इक्वेशन वन, ये लिखे कि यहाँ सी क्या है। उसके बाद में जिस तरीके से हम जानते हैं कि बट टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉ बराबर जो है वो आई अल्फा है, तो टॉ बराबर आई अल्फा, ये मसाला नंबर दो। जैसा कि हमने पहले यूनिट के अंदर में देखा, जो रोटेशन का जो पार्ट था उसके अंदर में ये देखा रोटेशनल मोशन के अंदर टा इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यहाँ दोनों इक्वेशन में वन और टू में ये टा लेफ्ट हैंड साइड मसावी है, इसलिए इनके राइट हैंड साइड भी मसावी होंगे। तो इसे इस तरह लिखा जा सकता है कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू मसाफ नंबर एक और दो से के आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, आई अल्फा बराबर माइनस सी थीटा। अब ये आई, ये जो अल्फा है, अल्फा के लिए हमने पहले लेसन के अंदर भी ये देखा था, पहले फर्स्ट यूनिट के अंदर, कि ये जो अल्फा है जाविये इसरा, इसे इस तरह लिखा जा सकता है कि डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी इस तरह लिखा जा सकता है। मैं यहां पर जो है वो स्टेप बढ़ा रहा हूं, आई डी बाई डी टी, और ये ओमेगा को जो है वो इस तरह लिखा जा सकता है डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी बराबर माइनस सी थीटा। तो ये आए डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये मसावत नंबर तीन, जो ऐसे एंगुलर एसएचएम करने वाले, जाविये एसएचएम करने वाले जिस्म की तफरीकी मसावत है। मसावत नंबर तीन जाविये एसएचएम करने वाले जिस्म की तफरीकी मसावत है। ये फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने देखा था कि ये जो जाविये इसरा है वो जाविये रफ्तार की तब्दीली की शरे को, जाविये रफ्तार की तब्दीली की शरे को जाविये इसरा कहते हैं। तो उस लिहाज से अल्फा को जो है डी ओमेगा बाय डी टी लिखा जा सकता है। उसी तरीके से ये जो ओमेगा है जो यहाँ पर जाविये रफ्तार को जाहिर करता है, तो जाविये रफ्तार को जाविये हटाव की तब्दीली की शरे, जाविये हटाव की तब्दीली की शरे को जाविये रफ्तार कहते हैं। तो इस ओमेगा की जगह पर जो है वो डी थीटा बाय डी टी लिखा जा सकता है। इस लिहाज से देखिए यहाँ ये डी दो मरतबा है, डी स्क्वायर थीटा और ये डी टी ये डबल है, तो डी टी स्क्वायर और ये हासिले जरब है, ये डी टी स्क्वायर आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये जाविया एसएचएम करने वाले जिस्म की तफरीकी मसावत है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस तरीके से के मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कि ये मैग्नाटिस जो है ये अक्सर मैग्नाटिसी मैदान के अंदर में इरतियाज कर रहा है,
यक्षा मेघनाथी इसी मैदान में, उर्दू में इस तरह होगा, यक्षा यूनिफॉर्म है, यक्षा यक्षा मेघनाथी इसी मैदान में मेघनाथीस का इर्देयाश, यहां इसकी जो शक्ल शक्ल है वो इस तरीके से होंगी। ये मेघनाथीसी मैदान यहां पर दिखाया गया है। अब इसके अंदर में जो है मेघनाथीस को लटकाना है, और मेघनाथीस को लटकाने पर जब हम यहां मेघनाथीस को लटकाते हैं तो मेघनाथीस का जो मेहर है वो इस मेघनाथीसी मैदान के मुद्वाजी होता है, लेकिन अगर उसको छोटा दावे हटाव दिया जाए तो वो मेघनाथीस शक्ल जो है वो इस तरीके से होंगी। फिर ऐसा और एनपोल मेघनाथीस का महवर, इसकी जो लंबाई है मेघनाथीसी लंबाई वो 28 है। मेघनाथीसी लंबाई जो एस और एन पोल के दरमियान का की जो गैप होती है, जो फासला होता है, उसे मेघनाथीसी लंबाई कहते हैं। ये जो मेघनाथीस का महवर है इसे दावे हटाओ ठीटा दिया जा रहा है, तो इसके साथ में बनने वाला ये जो दाविया है वो ठीटा है। ठीक है, तो जब ये मेघनाथीसी एक मेघनाथीस को जब यक्षा मेघनाथीसी मैदान में आजादाना तौर पर लटकाया जाता है तो मेघनाथीस का जो महवर है ये पूरी तरीके से मेघनाथीसी मैदान पर मुतवाजी होता है, मतलब मैग्नेट की जो शक्ल है वो इस मानिंग बनाई जा सकती है कि जब मेघनाथीस को यक्षा मेघनाथीसी मैदान में आजादाना तौर पर लटकाया जाता है तो ये मेघनाथीस का महवर मेघनाथीसी मैदान की सिमत के मुतवाजी होता है। अब ये कि अगर इस मेघनाथीस को छोटे जावे हटाओ थीटा से हटाया जाए या इसको छोटा जावे हटाओ थीटा दिया जाए, अगर इसको छोटा जावे हटाओ थीटा दिया जाए तो ये इर्त्याश करता है, अगर इसे छोटा जावे हटाओ थीटा दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो वो जावियाई इर्तिजाज करता है। जब इस मेघनाथीस को छोटा जावे हटाओ थीटा दिया जाए तो वो जावियाई इतिजाज करता है। तो आइए इसके लिए जो है वो डेरिवेशन हासिल करते हैं जो इस तरीके से होगा, यानी मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है इसका वो इस टाइप होगा कि फर्ज कीजिए कि एक बार मेघनाथीस की मेघनाथीसी लंबाई 28 एल है, मैग्नेटिक लेंथ जो है इसकी एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ जो है वो 28 एल है, एक बार मेघनाथीस की मेघनाथीसी लंबाई 28 एल है और इसका जो कुतबी जोर है इस तरीके से कहा जा सकता है कि एस और एन कुतुब के कुतबी जोर बिंदती माइनस क्यू एम और प्लस क्यू एम है, या फिर ये
कि सिंगल इसमें इस तरह कहा जा सकता है कि इसके जो कुतबी जोर है, इसका जो कुतबी जोर है वो क्यूएम है, और इसका मेघनातीसी मियारे असर जो है, मेघनातीसी दो कुतबी मियारे असर वो म्यू है। देखिए एक बार मेघनातीस की मेघनातीसी लंबाई 22 है, और इसका जो कुतबी जोर है, हर कुतुब पर जो जोर है इसका वो क्यूएम है। यह हमने मैग्नीट्यूड लिया है, क्योंकि एस एस कुतुब पर उसका कुतबी जोर माइनस क्यूएम, और एन कुतुब पर जो है प्लस क्यूएम होता है। यह मैग्नीट्यूड ले रहे हम, तो यह है कि मेघनातीस का कुतबी जोर जो है वो क्यूएम है, और इसका दो कुतबी मियारे असर जो है वो म्यू है। इस क्वालिटी का ये मैग्नेटिस है, इस क्वालिटी के मैग्नेटिस को जो है वो यक्षा मैग्नेटिसी मैदान बी में लटकाया गया है, जिसका मैग्नेटिसी हिमालय बी है, ऐसा मैग्नेटिसी मैदान, ऐसा यक्षा मैग्नेटिसी मैदान जिसका मैग्नेटिसी हिमालय बी है, इस क्वालिटी के मैग्नेटिस को इस यक्षा मैग्नेटिसी मैदान के अंदर में लटकाया गया है। तो यह है कि इंसराब की हालत में मेघनातीस पर अमल करने वाला गर्दिशा इस तरह होगा, इंसराब की हालत में मेघनातीस पर अमल करने वाला गर्दिशा इस तरह होता है, टॉ इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। इंसराब की हालत में मेघनातीस पर अमल करने वाला गर्दिशा इस तरह होता है के टॉ बराबर म्यू बी साइन थीटा। अगर अब यहां ऐसा हो कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा हो, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो इस सूरत के अंदर में साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा, यानी साइन थीटा के प्लेस पर थीटा रखा जा सकता है। देयरफॉर This tau is equal to mu b theta. Tau बराबर mu b theta. लेकिन यह है, जैसा कि हमने जावियाई SHM की तालीम के अंदर में देखा कि ये जो tau है, ये जो गर्दिशा है, ये थीटा के बढ़ने की मुखालिफत करता है, या इसकी जो सिमत है वो इसके मुखालिफ होती है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो टॉ है, टॉ इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा। यानी ये है कि यहां पर जब ये टॉ और ये थीटा, ये टॉ थीटा के बढ़ने की मुखालिफत करता है, या टॉ की जो सिमत है, गर्दिशे की सिमत, वो जावी हटाव की सिमत की मुखालिफत करती है, तो यहाँ पर ये मनफी अलामत ली जाती है, तो टॉ इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा। या इस तरीके से कहा जा सकता है कि अगर ये गर्दिशा क्लॉकवाइज हो तो जावियाई हटाव जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो जावियाई हटाव जो है वो क्लॉकवाइज होता है, इसलिए यहाँ पर जो है मनफी अलामत ली गई है। तो टॉ इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा, ये हो गया समझ लो हमारा इक्वेशन वन। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बट टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉ बराबर जो है वो आई अल्फा होता है, ये हमें मालूम है जो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर में देखा। अब ये दोनों टॉ के किंता है, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, वो इस तरह होगा, देखिए के फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, मसाफ नंबर एक और दो से आई अल्फा बराबर माइनस म्यू बी थीटा। आई अल्फा बराबर, देखिए ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी बाय आई इंटू थीटा, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी बाय आई इंटू थीटा। ये हो गया मसाफ नंबर तीन। अब मसाफ तीन के अंदर में ये जो म्यू बी बाय आई है,
ये म्यू बी बाय आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जो है वो कॉन्स्टेंट है, इसलिए ये जो अल्फा है ये रास तनासुक में होगा, अल्फा जो है वो रास तनासुक में होगा माइनस थीटा के, ये अल्फा जो है माइनस थीटा के रास तनासुक में होगा। यानी यहां से ये कहा जा सकता है, यानी ये जो जाविये इसरा है, जाविये इसरा जाविये हटाओ के रास तनासुक में है, इससे ये जाहिर होता है कि जाविये इसरा जाविये हटाओ के रास तनासुक में है। और साथ में ये मनफी अलामत से ये जाहिर होता है कि ये जो जाविये इसरा है, ये जाविये इसरा जाविये हटाओ के सिमत के मुखालिफ है, मतलब दोनों की सिमत जो है वो मुखालिफ है, या फिर ये कि ये जो जाविये इसरा है वो जाविये हटाओ थीटा के बढ़ने की मुखालिफत करता है। मतलब ये है कि वो यहाँ जो है उस तारीफ की तस्दीक होती है जो जाविये सेचन की तारीफ है। जैसा कि जाविये सेचन के अंदर में हमने देखा कि ऐसी एहतजाजी हरकत जिसमें गर्दिशा या जाविये इसरा जाविये हटाओ के रास तनासुक में हो, और ये जाविये इसरा या गर्दिशा इसकी जो सिमत है जाविये हटाओ के सिमत के मुखालिफ हो, तो ये जाविये एसएचएम की तारीफ यहां जो है उसकी तस्दीक हो रही है कि ये अल्फा जो है थीटा के रास तनासुक में है, और साथ में ये अल्फा की जो सिमत है या अल्फा जो है जाविये हटाओ थीटा के बढ़ने की मुखालिफत करता है। मतलब ये है कि ये जो मैग्नेट है, ये जो मेगनातीस है, ये मेगनातीस एंगुलर एसएचएम कर रहा है, जाविये ही एसएचएम करता है। यानी यहां इस तरीके से सवाल दिया जा सकता है, साबित कीजिए कि यक्षा मेगनातीसी मैदान में लटकाया गया जो मेगनातीस है वो जाविया ही एसएचएम करता है। इस तरीके से अगर सवाल है तो वो सवाल यहां पर हमारा मुकम्मल हुआ कि ये अल्फा जो है थीटा के रास तनासुक में है, और मनफी अलामत से ये जाहिर हो रहा है कि जाविया इसरा जो है जाविया इसरा की सिम जाविया हटाओ की सिमत के मुखालिफ है, या फिर इसकी ये जो है इसकी मुखालिफत करता है। ठीक है, इसी तरीके से इस पर से जो है हमें आगे जो है इसका दौर निकालना है, यानी पीरियड ऑफ मैग्नेट फैब्रिकेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से भी इसे कहा जा सकता है, ये पॉइंट को ऐसी हेडिंग दी जा सकती है। तो आइए अब हम इसका पीरियड मालूम करते हैं, दौर मालूम करते हैं, जो इस तरीके से होगा। देखिए दौर किस तरह निकाला जा सकता है, तो ये दौर जो है कैपिटल टी से जाहिर करते, कैपिटल टी बराबर टॉइस पाई अंडर रूट एकाई जाविये हटाओ, एकाई जाविये हटाओ का जाविये इसरा, जाविये इसरा एकाई जाविये हटाओ का जाविये इसरा। इस बेस पर जो है इसे मालूम किया जा सकता है, लेकिन अब सवाल यह है कि यहां ये हमारे जहन में आना जरूरी है कि इसे इस तरह लिखना है, तो ये चीज जो है कहां से आई हम ये देखते हैं। मैं ये इक्वेशन थ्री को जो है यहां लिख लेता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी बाय आई थीटा, ये इक्वेशन मैंने यहां लिख लिया। देखिए मैं अपने प्रीवियस इसमें चलता हूं कि हमने जो है पहले क्या देखा, प्रीवियस इसके अंदर में हमने ये देखा
एसएचएम करने वाले जर्रे के दौर का फिकरा इस तरह है कि हमने देखा कि टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट एम बाय के, इस तरीके से हमने देखा था। यानी अगर जर्रा एसएचएम करे तो उसके जो दौर की जो मसावत है वो इस तरह होती है, टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट एम बाय के। अब इस पर से हमने इसको इस तरह लिखा, देखिए ट्वाइस पाई अंडर रूट एम बाय, और ये जो के था, ये के जिस तरीके से हमें मालूम है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अगर जरा एसएचएम करें तो एसएचएम की तारीख के मुताबिक इस तरह होता है कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहां के इज इक्वल टू एफ बाय एक्स, यानी एकाई हटाव की कुवत, एकाई हटाव की कुवत। तो यहां मैंने ये के को जो है एकाई हटाव की कुवत ये लिखा, यानी ये कि ये एफ बाय एक्स है, के प्लेस पर जो है वो एफ बाय एक्स रखा, इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट एम एक्स बाय एफ, और एफ बोले तो एम ए, एफ बराबर एम ए, तो यहां से ये एम एम कैंसल, इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट एक्स बाय ए। इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि ट्वाइस पाई बाय अंडर रूट ए बाय एक्स। तो इसे जुमले के अंदर में इस तरह लिखा जा सकता है, ट्वाइस पाई बटे अंडर रूट, देखिए एकाई हटाव का, जिस तरीके से इसे इस तरह पढ़ा जा सकता है कि एकाई हटाव की कुवत, उसी लिहाज से इसे इस तरह पढ़ा जा सकता है कि एकाई हटाव का इसरा, एकाई हटाव का इसरा। तो हमने ये देखे कि टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर ट्वाइस पाई बाय अंडर रूट एकाई हटाओ का इसरा। इस लिहाज से इसे ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि यहां जो है वो जावी एसएचएम है, तो जावी एसएचएम के अंदर जो है हटाओ की जगह पर जो है वो जावी हटाओ है और इसरा की जगह पर जावी इसरा है। इस लिहाज से इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर बाय अंडर रूट एकाई जावी हटाओ का जावी इसरा। ठीक है, इस लिहाज से देखिए कि ट्वाइस पाई, अब इसको जो है सिंबॉलिकली लिखता हूं तो किस तरह होगा कि अल्फा बाय ए। देखिए जब ये इस तरीके से कि एकाई हटाओ का इसरा, तो यहां इसको जो है इस तरह लिखा जा सकता है कि एकाई जाव्यई हटाओ का जाव्यई इसरा, यानी अल्फा बाय थीटा। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ट्वाइस पाई अंडर रूट बाय अंडर रूट, देखिए अल्फा, अल्फा की जो वैल्यू है जो मसावत तीन के अंदर में हमने हासिल की वो ये है कि म्यू बी थीटा बाय आई, और ये थीटा, तो यहां से जो है वो थीटा थीटा कैंसल हुआ, तो ट्वाइस पाई अंडर रूट आई बाय, दिस थर्ड गोज टू फर्स्ट, आई बाय म्यू बी, टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी। इसे हम इक्वेशन नंबर फोर देते हैं, ये मसावत नंबर चार। तो ये मसावत नंबर चार जो है, यक्षा मेघनाथिसी मैदान में इर्तियाश करने वाले मेघनाथिस के दौर का फिकरा है। मसावत नंबर चार, यक्षा मेघनाथिसी मैदान में इर्तियाश करने वाले मेघनाथिस के दौर का फिकरा है कि टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट
आई बाय म्यू भी इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। तो इस तरह ये जो ऑसिलेशन का ये जो पार्ट था हमारा, ये जो लेसन था आज, इंशाल्लाह इसका जो थ्योरी पोर्शन है ये मुकम्मल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।